हेलो दोस्तों, मैं एचआर चौधरी मंडा और आज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो है 14-15 जुलाई को है, उससे संबंधित सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही है आज। उस न्यूज में बताया गया है कि जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से पहले एक बहुत बड़ा खुलासा नकल गिरोह का, उसमें अलग अलग जगह से लगभग 24 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, ये भर्ती पहले भी नकल गिरोह की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, इस भर्ती से संबंधित तो ये दोबारा भर्ती हो रही है। तो इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले नकल गिरोह का भंडाफोड़। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इस न्यूज़ से संबंधित जो वायरल न्यूज़ है उसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या ये न्यूज़ पूर्णतः सत्य है या फिर ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही है काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो खासतौर पर इसलिए लेके आया ताकि आपको इसकी पूर्ण सत्यता की आपको जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही पिक के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक पिक है जिसमें बताया गया है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले बड़ा खुलासा जोधपुर पुलिस का। इसके अलावा नकल गिरोह का किया पर्दाफाश, एक ये पिक है, और उसके बाद एक ये पिक है 10 से ज़्यादा लोगों को लिया गया हिरासत में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले बड़ा खुलासा। इसके अलावा एक और पिक है, यहाँ आप देख सकते हैं जोधपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और नकल गिरोह का किया पर्दाफाश। इसके अलावा जो जो पिक वायरल हो रही है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अब ये जो पिक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस पिक से संबंधित जानकारी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 24 लोग हिरासत में लिए गए हैं फ्रेंड्स, उनकी पिक भी आई है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, इन सभी स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है पूर्णतः सत्य है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये न्यूज़ फेक न्यूज़ नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, नकल गिरोह का भंडाफोड़ ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की। एग्ज़ाम से पहले जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट, उन सभी के लिए खुशी की बात है कि एक बहुत बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पिक। इसके अलावा एक ये भी पिक है, ये भी आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा। इसके साथ ये पिक आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया अलग अलग जगहों से हिरासत में लिए गए 24 छात्र। तो साथ में आपको बता दूं फ्रेंड्स, हवाई सिंह घुमरिया जो जोधपुर के रेंज आईजी है, उनकी बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस एग्ज़ाम से पहले ही नकल गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पूरे राजस्थान में जो नकल करवाने वाला था ये गिरोह। इसके साथ आप देख सकते हैं ये पिक जो हो रही है, ये भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पुलिस की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिससे ये खुलासा होता है कि ये वायरल न्यूज एकदम पूर्णतः सत्य है। आप देख सकते हैं ये प्रेस नोट की डेट है 11/7/2018, यानी आज ही का प्रेस नोट है। यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नकल गिरोह का पर्दाफाश, यहाँ पूर्णतः जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं जानकारी महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर हवाई सिंह घुमरिया ने बताया कि आगामी कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, LDC वगैरह भर्ती परीक्षाओं में कुख्यात नकल गिरोह के सरगना इनामी वांछित जगदीश सिसणोई के भाई भी भिखाराम जानी एवं उसके सहयोगी अरुण पवार व सुरेश सिसणोई द्वारा ऑन शीट तथा फोटो मिक्सिंग के जरिए असली की जगह नकली होशियार लड़के को बिठाकर परीक्षा पास करवाने की गारंटी का प्रलोभन देकर प्रत्येक परीक्षार्थी से 5 से 7 लाख रुपए वसूलने की गुप्त सूचना पर रेंज कार्यालय अपराध शाखा के पदस्थापित हरजीराम निरीक्षक पुलिस एवं श्री हरिराम कांस्टेबल नंबर 375 को तकनीकी आधार पर सूत्र सूचना सर्वसब्ज करके निर्देशन दिए गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नकल गिरोह 5 से 7 लाख रुपए लेता था, और जो ओरिजिनल स्टूडेंट उसकी जगह नकली स्टूडेंट को बैठा के जो है ये नकल गिरोह करवाने वाला था इस भर्ती में। इसके अलावा कई भर्तियों में और भी ये नकल गिरोह जो सक्रिय था। तो ये पूरी न्यूज है, आप देख सकते हैं इस प्रेस नोट से ये कन्फर्म होता है कि ये पुलिस के द्वारा ही की गई कार्रवाई एकदम सही है और इसमें बिल्कुल भी फेक न्यूज नहीं है, एकदम राइट है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से पहले नकल गिरोह का पकड़ा जाना। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनुपम क्लासे जालोरी गेट जोधपुर के भिखाराम विश्नोई, अरुण पवार, सुरेश विश्नोई के मोबाइल नंबर सर्विलांस में लिया जाकर निगरानी की गई। तो कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, LDC प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑन सीट परीक्षार्थी मिलते जुलते होशियार लड़कों की फोटो मिक्सिंग व एडिटिंग करवाकर परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की बात सामने आकर श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर के राजेंद्र दुष्यंत
पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण श्री खीव सिंह भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जोधपुर ग्रामीण के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण रेंज कार्यालय जोधपुर से हरजीराम निरीक्षक और पुलिस श्रीमती लता बेगड़, नी पुलिस हरिराम कांस्टेबल 375, नैनाराम 1555, संदीप 931 व दिलीप ड्रो कांस्टेबल, पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण के दीप सिंह, यानी ये जो अधिकारी है कांस्टेबल है जिन्होंने इसमें कार्रवाई की, उन सभी का नाम है जिनके द्वारा ये बहुत बड़ी स्तर पर कार्रवाई की गई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये पूर्ण सत्यता के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये पूरी न्यूज़ एकदम सही है, कल आप पेपर में भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जो कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं वो लगातार करते रहें, क्योंकि इस बार जो नकल होने की बहुत कम संभावना रहने वाली है राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।